एक वो ईद के दिन का जो एक गले मिलना होता है ना अपने फादर से, भाइयों से मिलते हैं 3 बार ऐसे करते हैं, वो कुछ अलग ही चीज़ है। बस माहौल बड़ा फैमिली टाइप का रहता है। ईद के दिन का जो स्पेशल शीरकुरमा बनता है वो दैट इज़ अमेजिंग। अभी हमसे ईदी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कोई देने के लिए रेडी ही नहीं है। एवरीबडी इज़ वेलकम टू कम एंड विश एंड एंजॉय ईद विद अस। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। इस बार ईद है, ईद का मौका है। इस बार ईद पर क्या स्पेशल है? इस बार ईद पर वही होगा जो हर साल होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हर बार ईद में कुछ नया होता है, कुछ नया नहीं होता, बट जो भी होता है अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं, सारे भाई बहन जाते हैं एंड वी स्पेंड आवर डे विद देम एंड बस माहौल बड़ा फैमिली टाइप का रहता है। उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ कलीग्स हैं जो आते हैं विश करने के लिए एंड इस मामले में हमारा घर खुला हुआ है वो दिन। एवरीबडी इज़ वेलकम टू कम एंड विश एंड एंजॉय ईद विद अस। तो दैट इज़ हाउ इट इज़, इट डजंट चेंज बिकॉज वो एक ट्रेडिशन है हमारे घर का। ईद सुनते ही पहला किस्सा या वाक्या जहन में क्या आता है? एक तो वही है कि फैमिली से एक ऐसा तो नहीं है कि हम रोज़ मिलते नहीं हैं, गले नहीं मिलते, बट एक वो ईद के दिन का जो एक गले मिलना होता है ना अपने फादर से, भाइयों से, फैमिली से, वो उसका कुछ अलग ही मज़ा और नशा है कुछ। तो एक वो अलग फील होता है कि ईद की जो छपी होती है ना, हाँ, जो हम मिलते हैं 3 बार ऐसे करते हैं, वो कुछ अलग ही चीज़ है। उसके अंदर एक जो क्लोजनेस और इसके अंदर जो प्यार है ना, वो कुछ अलग है। या तो जनरली मिलते हैं, हाथ मिलाते, एक बार हग करते हैं, पर ईद पे जो होता है ना ऐसे 3 बार हग करना, वो जो बड़ा खूबसूरत लगता है, प्यार भी है, केयर भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहली ईद ही याद है क्या मिली थी और किससे मिली थी? नहीं याद तो नहीं है, बट हम श्योर डैड से ही मिली होगी, डैड और मॉम से मिली होगी। पिछली ईदी याद है पिछली बार क्या मिली थी या जो भी आखिरी बार ईदी मिली थी वो क्या थी? अभी ईदी मिलने का नहीं, देने का टाइम आ गया। अभी हमसे ईदी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कोई देने के लिए रेडी ही नहीं है। ईदी क्या देते हो? अच्छा मैं बोलूंगा, आई थिंक द बेस्ट थिंग टू गिव इज ईदी इज टू गिव मनी, क्योंकि आप कोई चीज दोगे तो उनको पसंद आएगी नहीं आएगी, उससे अच्छा एक डिसाइड कर लो अमाउंट अपने जो भी नीसेज एंड नेफ्यूज या जो भी जिनको है, और उनको दे दो और बोलो भाई अपनी मर्जी से अपने पसंद की कोई चीज़ खरीद लो, तो एक एनवेलोप में उनको पैसे दे दो, बेस्ट है। तो कभी ये होता है कि अरे ये तो कम पैसा है और चाहिए, वो तो हमेशा होता है। आप उनको कितना भी दो, लास्ट टाइम भी इतना ही दिया था, इस बार कम दिया, उसकी शिकायत तो रहती है। तो भाई ठीक है, बोलो बस अब इतना लो, इसमें मजे लो। ईद का फेवरेट फूड आपका? आई गेस बिरयानी एंड शीरकुरमा, बिकॉज बिरयानी तो फिर भी पूरे साल बनती है, शीरकुरमा जो स्पेशली बनता है ईद के दिन जो, और ईद के दिन का जो स्पेशल शीरकुरमा बनता है वो दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा ईद के खास मौके पे परिवार के साथ अगर 3 फिल्में आपको देखनी है कौन सी होंगी? ये 3 फिल्में शोले, लवली, अमर अकबर एंथनी, ठीक है, और आई गेस प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है अरबाज, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस बातचीत के लिए। एंड बिफोर रैपिंग अप द सेशन आई डू हैव समथिंग फॉर यू। तो ये आपके लिए, आपने हमें वक्त दिया और ईद का खास मौका है। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाय, आई एम अरबाज खान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल।